दोस्तों, अगर आप भी भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड की टीम को खदेड़ने के लिए यहाँ अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। आखिरकार टॉस के बाद पहला T20 मुकाबला भारत और आयरलैंड के बीच शुरू हो गया है। मुकाबले की चल रही है क्या लाइव अपडेट। सुमन गिल और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत करते हुए बना लिए हैं कितने रन, कौन है शतक के करीब, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और आयरलैंड में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और आयरलैंड की टीम के बीच अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जो खेले जाते हैं वो काफी कम हम सभी को इंटरनेशनल दर पर होते हुए कम नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हमारी भारतीय टीम तैयारी कर रही है कि आखिरकार आयरलैंड की टीम को उन्हीं की सरजमी पर कैसे हराया जाए। और दोस्तों, अब आयरलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम 5 मैचों की T20 सीरीज में भाग ले रही है, जहां 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारतीय टीम का जीतना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर भारत को और भी ज्यादा मजबूत अपनी टीम को बनाना है तो इन छोटी टीमों से जीतना भी टीम इंडिया को याद रखना होगा। और वहीं हम आपको बताते चलें कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम ने WTC फाइनल का मुकाबला भी अपने हाथों से गंवाया था। और अब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के दौरे से ठीक पहले आयरलैंड के खिलाफ भिड़ने जा रही है, जहां पहला मुकाबला भारत और आयरलैंड की टीम के बीच हम सभी को आयरलैंड के द विलेज से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जहां आप सभी अगर इस मुकाबले की जानकारी बताते हुए चलें तो दोस्तों, यहां पर मुकाबला अगर आपको लाइव अपने टेलीविजन पर देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर आप सभी मुकाबले का आनंद ले सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो Disney+ Hotstar ऐप पर दिखाई जा रही है। वहीं बात की जाए अगर मैच के बारे में तो दोस्तों, मुकाबला हाई वोल्टेज होने के साथ साथ रोमांचक भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारतीय टीम आयरलैंड जैसी छोटी टीमों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन कर दिखाती है। और वहीं दोस्तों, अगर भारत और आयरलैंड के बीच पहले T20 मुकाबले की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको मौसम विभाग द्वारा जारी जानकारी के बारे में बता दें तो दोस्तों, यहां पर जहां पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है वहां पर बारिश होने की संभावना लगभग 70% तक जताई गई है। जहां मैच के दौरान हल्की हल्की रिमझिम भरी बारिश तो हो सकती है, लेकिन दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर बारिश तेज होती है और बारिश रुक नहीं पाती तो मुकाबले को 5-5 ओवर का करवाया जाएगा, जो कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला अपने आप में ही होगा। वहीं अगर बात की जाए मैच से पहले हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में तो दोस्तों, भारत और आयरलैंड की टीम के बीच आज तक कुल मिलाकर मात्र 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 5 में से 5 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने एक भी मुकाबला अभी तक भारत के खिलाफ जीता नहीं है, जिसके चलते इंटरनेशनल में तो भारतीय टीम की कमान काफी ज्यादा भारी नजर आ रही है और टीम इंडिया ही मुकाबले को जीतेगी भी। वहीं बात करें अगर टीम के बारे में तो दोस्तों, आयरलैंड की जो टीम आप सभी को नजर आने वाली है उसमें कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और एक नई और मजबूत टीम उतारी गई है, जहां आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बेलबर्नी पारी की शुरुआत करेंगे और यहां पर कप्तानी एंड्रू बेलबर्नी के हाथों में ही थमाई गई है। तो वहीं गैरेथ डिनेली भी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। हैरी टेक्टर, लॉरकन टकर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, जोशुआ लिटिल और कॉनर ऑल्फर्ट आप सभी को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों, भारत की टीम की तरफ से आप सभी को ईशान किशन और शुभमन गिल नजर आएंगे। वहीं फिर मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक और रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। तो दोस्तों, ये होगी भारत और आयरलैंड की टीम है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और आयरलैंड में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।